10 सेकंड रह गए हैं। 5, 4, 2, 1 टाइम ओवर। जिसकी रंगोली जैसी है वैसी छोड़कर खड़े हो जाओ। रंगोली जज टीचर आएंगी और तुम लोगों की 2 कौड़ी की रंगोली के लिए 2 कौड़ी की स्पीच देकर जाएंगी। बेटा तुमने गोली दी है, रंगोली नहीं बनाई। इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूं, मिटा दो इसे, हैं? कलर काफी अच्छे चूज करे, लेकिन अगर ये गुलाबी के साथ काला कलर लगाती ना तो ज्यादा अच्छा बनता। बाकी फिनिशिंग ठीक है, कलर्स भी ठीक है, फूल पत्ती भी ठीक से बनाई है, थीम भी अच्छी है। डॉट्स पे थोड़ा ध्यान देना, लकीरें थोड़ी सही हो सकती थी। तो हमारी रंगोली जज टीचर ने डिसाइड कर लिया है, प्रतियोगिता का विनर चुन लिया है, मोइना फ्रॉम क्लास 6C। अरे सिमी आ गई तू, कैसा रहा रंगोली कंपटीशन स्कूल में? अगर दी को बता दिया कि मैं हार गई हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैं सैड हूँ, और अगर ये पता लगा कि मैं सैड हूँ तो फिर दी बताना कौन जीता। तुझे पता है अपने स्कूल में रंगोली कंपटीशन में हर साल मैं ही जीतती थी, पूरे 12 साल का रिकॉर्ड है मेरा। वाओ सच में? हाँ, लेकिन हमारे स्कूल वाले बहुत कंजूस थे, कभी भी जीतने पर प्राइज नहीं देते थे, बस फ्री की रंगोली बनवा लिया करते थे। वही तो, स्कूल वालों को कुछ समझ ही नहीं आता। अब मेरे स्कूल की बात ही ले लो, इतने दिनों से रंगोली कंपटीशन कर रखा था और जब कंपटीशन आया तो कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? हाँ, लेकिन अगर होता ना तो पक्का से मैं ही फर्स्ट आती। हाँ तो किसी की हिम्मत है जो तुझे हरा दे? नहीं, चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। लेकिन सर ऐसे अचानक से आपको पहले बताना चाहिए था ना। ओके आई विल ट्राई। क्या हुआ दी? देखना सिम्मी, वर्क फ्रॉम होम था और अचानक से ऑफिस बुला रहे हैं। मुझे तो लगा था घर पर रहूंगी, साथ ही साथ दिवाली का काम भी कर लूंगी। अरे तो आप जाओ ना ऑफिस, घर का काम मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, तू ये सब नहीं करेगी, तू बस अपना पढ़ाई देख। स्कूल की तो छुट्टी है दी, करने दो ना प्लीज। अकेले कैसे करेगी, अभी तक तो शीला भी छुट्टी से वापस नहीं आई। अरे मैं अकेली कर लूंगी, थोड़ा बहुत तो काम है, प्लीज प्लीज करने दो। सिमी तुझे पता है ना मैं नहीं मना कर पाती तुझे, तो फिर क्यों जिद करती है? प्लीज 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 दी करने दो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है दिवाली की सफाई करना। ओके फाइन, लेकिन हाँ हैवी वर्क नहीं करना है, बिजली के काम को हाथ नहीं लगाना है, टाइम से खाना खाना है, यही ना? जी नहीं, मैं बोल रही थी कि आज से नहीं कल से करना। क्यों? क्योंकि शीला कल आएगी तो उसके साथ मिलके करवा देना। चल भाई मैं भी जाती हूँ। अच्छा हो दी आप आ गए, वरना मेरे स्कूल की छुट्टी ऐसी वेस्ट हो जाती। मेरा इतना मन था ना दिवाली की सफाई करने का, लेकिन दीदी कहाँ मानती हैं? क्या दीदी, काम करने का किसका मन होता है? मेरा, लेकिन दीदी हैं कि कुछ करने नहीं देती हैं, अकेले बोलती हैं कि जब शीला दीदी आएगी तो साथ में ही करवाना। आप शुरू कहाँ से करना है ये बताओ। हाँ तो ये सारी लड़ियाँ हैं, इन्हें चेक करना है, इनमें से जो खराब है हटाना है और जो सही है उन्हें लगाना है अपनी जगह पर। उसके बाद ये जो मालाएं हैं ना, ये थोड़ी गंदी है लास्ट ईयर की, तो इन्हें वॉश करके सुखाना है और फिर वापस से लगाना है, और पूरे घर की डस्टिंग करनी है। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? हाँ तो पहले ये सारी माला धो के सुखा देते हैं, जब तक ये सूखेगी तब तक बाकी का काम कर लेंगे और उसके बाद ये सूखी हुई माला सजा देंगे। वाओ आदि यू सो स्मार्ट। स्मार्ट? स्मार्ट नहीं, स्मार्ट मतलब समझदार। समझदार? समझदार? आपने हमें समझदार बोला? हाँ। अरे क्या हुआ आपको?
आज तक हमें किसी ने समझदार नहीं बोला। जिसने बोला बस बुड़बक पागल ही बोला आपने पहली बार। अच्छा दीदी अब काम शुरू करें। हाँ चलो दी आप बस हमें बताओ हम कर लेंगे। बताया तो ये लटकन वॉश करो आप। हाँ पर्दे लगाने रह गए। वो सब तो ठीक है लेकिन लगाएंगे कैसे? ये तो इतना ऊपर है। हाँ ऊपर तो है दीदी। दीदी जी कुर्सी छोटी पड़ जाएगी और सीढ़ी घर पे है नहीं। फिर स्टडी टेबल? अरे दीदी टेबल पे तो गिर जाएंगे ना। अरे कुछ नहीं होगा आओ तो सही आप आओ। चलो 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 दीदी पीछे देख के पीछे देख के। हाँ हाँ दीदी आराम से ही कर रही हूँ। हाँ ऐसे सीधे सीधे सीधे। हाँ दीदी अब एक काम करो मैं ऊपर चढ़ती हूँ आप नीचे से ना पर्दे सेट करके देना मैं रॉड में डाल दूंगी। नहीं नहीं दीदी मेरी हाइट ज्यादा है आपसे आप गिर जाओगी मैं चढ़ जाती हूँ। अरे शीला दीदी मैं आपको जितना बोल रही हूँ ना बस उतना करो आप। चलो थी ना दीदी जी। आप नमस्ते। वो दीदी एक दिन पहले आने का प्रोग्राम बन गया तो हम आ गए। हमने सोचा यहाँ पर भी दिवाली की सफाई वफाई करनी होगी आ जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा इसलिए हम आ गए। और सिम्मी? हाँ हाँ दी मैंने तुमसे कल करने के लिए बोला था ना सफाई। हाँ दी वो मैंने सोचा कि कल तो धनतेरस है तो आज ही सफाई करके कल की तैयारी हो जाएगी और फिर शीला दीदी भी आ गई थी तो इतना नहीं सोचना चाहिए था तुम्हें। और तुम सिम्मी कैसे गिरी? दीदी वो हम तो मना ही कर रहे थे पर सिम्मी दीदी मानी ही नहीं। हाँ दी वो मैं ही जिद करके चढ़ी थी ऊपर। मेरी बहन से काम करवाने के पैसे नहीं देती मैं तुम्हें। दी उन्होंने नहीं बोला। जब मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलूं तब बोलना। और तुम निकलो यहां से। दीदी जी लेकिन शीला दीदी आप जाओ प्लीज अभी जाओ आप यहां से। सिम्मी सिम्मी धनतेरस की पूजा के लिए चल रेडी हो जा उसके बाद खाना भी खाना है ना। आज शीला दीदी तो नहीं आई लेकिन मैंने अपने हाथों से तेरी फेवरेट खीर पूरी बनाई है। मुझे भूख नहीं है। कब तक गुस्सा रहेगी? टीवी
तेरा दिवाली गिफ्ट। थैंक यू दी। इतने दिनों से टीवी खराब था ना, तू भी बोल रही थी, तो मैंने सोचा इस धनतेरस पे टीवी ले ले नया। थैंक यू सो मच दी। पता है फोन में बिग बॉस देखने में ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, अब आएगा मजा बड़ी स्क्रीन पे देखने का। सी अब ना हम कपड़े डिसाइड करते हैं, आपने कुछ सोचा है दिवाली पे क्या पहनोगे? कोई भी सूट पहन लूंगी। अरे कोई भी सूट मतलब, दिवाली है कुछ अच्छा कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। आप ना इस बार साड़ी पहनना। साड़ी? लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई नई साड़ी नहीं है। वही तो, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही दिवाली गिफ्ट दे सकते हो? एक मिनट, ये लो आपका दिवाली गिफ्ट। ये तूने ली है? और पैसे कहाँ से आए? अरे मैं भी सेविंग्स कर सकती हूँ ना, बस उन्हीं पैसों से ली है। अच्छा रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दिवाली पर क्या पहनूंगी। ये देखो ये वाला शरारा अच्छा लगेगा ना? बहुत सुंदर है। अब गुस्सा ठंडा हो गया हो तो खाना खा ले। हाँ दी बहुत तेज भूख लगी है। आ जा। अब वाला लगा जो ना दुरम बन गया तेरा हाथ का बिन अने मन न मने शीला की जवानी। अरे शीला दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बबली दीदी जी नहीं तो बुलाया है हमको दिवाली का बोनस देने के लिए। नहीं नहीं शीला दी आप मेरी बात मानो, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज। मैं आपको बोल रही हूँ इससे पहले दीदी आ जाए, आप जाओ यहाँ से प्लीज अभी आप जाओ शीला दीदी। क्या दीदी पूरे साल काम किया है बोनस तो हम लेकर जाएंगे, आप हमें इसलिए भगा रहे हो ना ताकि आपका बोनस बच जाए? हम तो बोनस लेके जाएंगे और इस साल तो हम अपनी सैलरी भी बढ़वाएंगे। हाँ वैसे बबली दीदी दिवाली गिफ्ट में क्या लेकर आई है? कुकर मत देना बस दीदी जी, वो बगल वाली मीना आंटी है ना वो भी कुकर ही लेकर आई है। दो दो कुकर हो गए घर पे। चिंता मत करो शीला इस बार ही कुकर नहीं देंगे, सरप्राइज है। नमस्ते दीदी जी, दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली शीला। अरे वाह दी आप तो एकदम प्रॉपर पटोला लग रहे हो, अपनी शादी में बहुत सुंदर लगेंगी दीदी। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। अरे आपसे ज्यादा सुंदर थोड़ी ना कोई लग सकता है, आप तो सबसे सुंदर हो। आप बिल्कुल सच बोलती हो शीला दी, आप भी ना दीदी। अच्छा आप हमें हमारा बोनस दे देते तो हम चले जाते, घर पे भी दिवाली की पूजा करनी है ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर रुक जाओ शीला, हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट कर लो थोड़ी देर फिर चली जाना। हाँ ये भी सही है, वैसे तो हम घर का सारा काम करके ही आए थे, बस दिवाली की पूजा करनी है वो थोड़ी देर जाके कर लेंगे। शीला दीदी चलो बाहर चल के दिए लगा देते हैं। चलो दीदी। दीदी वो देखो रॉकेट। अरे मोरी मोरी यार दीदी कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे पहले की दिवाली अच्छी थी, इतने मोटे मोटे पटाखे फूटते थे, आपको पता है हम तो इतने सारे पटाखे लेकर आते थे कि गली के बर्तन ही गिर जाते थे। हाँ दीदी लेकिन पटाखों से पोल्यूशन भी तो कितना होता था, पूरे एक हफ्ते तक सारी जगह धुआं धुआं रहता था। मेरे ख्याल से तो ये दिए वाली दिवाली सबसे अच्छी है। हाँ दीदी ये बात तो बिल्कुल सही करी आपने, आप भी ना वो स्मारत हो, स्मारत स्मारत नहीं स्मार्ट स्मार्ट। हाँ वही वही वो क्या है ना हमारी अंग्रेजी थोड़ी। आप बहुत फनी हो दी। सिमी चलो आओ हमारे साथ रंगोली बनवाओ। आई दी दीदी आपको याद है एक बार दिवाली पे पापा ने घर के अंदर ही चक्री जला दी थी मम्मी के कितने मना करने के बाद भी। हाँ तो उसके बाद फिर मम्मी से डांट भी तो खाई थी ना।
काश वो भी हमारे साथ होते ना आज। वो हमारे साथ ही है सिम्मी। दीदी सब हो गया है, अब हम चलते हैं। आप दे दो हमारा गिफ्ट। हाँ शीला, बस एक छोटा सा काम और कर दो। ऊपर स्टोर रूम में ना हमारे पुराने दिए रखे होंगे, वो ला दोगी क्या? दी मैं ले आती हूँ ना, उन्हें लेट हो रहा होगा। अरे नहीं दीदी, आपको नहीं पता होगा, वो पिछले साल सफाई करते वक्त हमने ही रखे थे, हम ले आते हैं फटाफट से। सिमी, मैं फूल की पत्तियां और लेकर आती हूँ फ्रिज से। यही तो रखा था। हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के वीडियो ने मेरा दिवाला निकाल दिया। मतलब ये शूट एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले से शूट हो रखा था, फिर हमने सोचा अभी वाइब नहीं आ रही है दिवाली की, तो थोड़े दिन के बाद में दिवाली के जो सीन्स है, जो लास्ट का सीक्वेंस था, वो हम दिवाली के आसपास शूट करेंगे, तो थोड़ा फील आ जाएगा। वो फील के चक्कर में जो हमारा फीलिंग्स की तहस नहस हुई है ना, मतलब संडे की इवनिंग, मतलब पहले अनंता का शूट किया और उसके बाद में वहाँ से फ्री होने के बाद यहाँ मेरे घर आई, यहाँ पे मैंने दिवाली का शूट किया। एक बज गया है गाइज, लाइक शूट ख़त्म होते होते वाट लगी पड़ी है। ऑल्सो गाइज, प्लीज़ टॉक्सिक वेदर पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए, मैं पहले बनाने वाली थी क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे पार्ट 2 के लिए, इतनी सारी रिक्वेस्ट थी, बट यू नो टॉक्सिक मदर पर यूट्यूब को प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने मेरा जो वीडियो है वो डीमोनेटाइज कर दिया है, तो मैं अभी सेकंड पार्ट तो नहीं ला सकती हूँ। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो जस्ट डू लाइक इट और एंजॉय योर दिवाली यार, दैट्स इट। हाँ ऊपर तो आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं और तुम सिम्मी कैसे गिरी? रुको।